तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे क्या चीज है ये आप देख पा रहे होंगे। तो इससे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, कौन बोला नोज बर्ड नहीं, ईयर बर्ड बोलते हैं इसको। नाक साफ करने का काम नहीं आती, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, कान साफ करने का काम आती है, लेकिन इससे कान साफ करना रिस्क भी होता है। तो आइए जान लेते हैं जल्दी से एक्सपेरिमेंट में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले जो एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जुड़े रहे हैं। आइए जल्दी से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले चाहिए हमको 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप देख सकते हैं वाटर, और उसके बाद ये ईयरबड्स हमारे पास रखी हुई हैं, और ये इतने सारे जो परफ्यूम आप देख सकते हैं ये हमारे पास रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस परफ्यूम के साथ। तो इस परफ्यूम को हम जब ईयरबड पे आप देख सकते हैं कि जब लगाएंगे तो कितना ज़्यादा जो मैंने लगा दिया आप देख सकते हैं। तो इसको हम सीधा पानी में जो डिप करके देखेंगे वाटर में, तो वाटर में जैसे ही डिप करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वांटिटी में ये जो बबल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कितनी हाई क्वांटिटी में बबल्स जो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके पीछे की साइंस है क्या आखिरकार, वो जान लेते हैं कि इसके पीछे की क्या साइंस है। तो इसके पीछे दोस्तों इसकी साइंस ये है कि इसमें है CO2 और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है। तो CO2 पानी में जाते ही जो रिएक्ट करती है, अल्कोहल पानी में जाते ही रिएक्ट करता है और बबल्स के रूप में ये वाटर से बाहर आता है दोस्तों। तो ये है इसके पीछे की साइंस। तो अब आ जाती है एक और मज़ेदार बात इस एक्सपेरिमेंट में, कि इसमें दोस्तों आग भी लगाकर हम देखेंगे कि आग लगाने से इस ईयरबड्स में क्या आग लग पाती है इन परफ्यूमों से आराम से। तो ये देख लेते हैं कि गैस की तरह ये काम करते हैं या नहीं करते। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहना दोस्तों। तो इससे पहले हम एक काम और करते हैं कि सारे परफ्यूम को इस पर मारकर देख लेते हैं कि सारे परफ्यूम में से इस पर एक ईयरबड्स पर क्या रिएक्शन होगा। तो सभी को मारकर हम देख लेते हैं इस पर, तो इसको भी इस पर लगा लेते हैं और इसको भी लगा लेते हैं इसके साथ, आप देख पा रहे हैं, और इसको भी, तीनों को इस पे एक एक करके तीनों को इस पे ईयर बड्स पे जो हम मार लेते हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट पानी में देख सकते हैं कितना हाई जो ये रिएक्शन कर रहा है, कितना हाई आप देख सकते हैं कि बबल्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं, कितना हाई दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें बबल्स जो क्रिएट हो रहे हैं कितने हाई क्वान्टिटी में। तो यही था इसके पीछे की साइंस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी एंड तक जरूर कमेंट करके भी बता दिया करो, और इस वाटर को पीने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें अब अल्कोहल और इसमें जो है इसमें इसके साथ जो है स्मेल भी जो इसकी इन परफ्यूमों की इस वाटर के अंदर आ गई है। तो पीना बिल्कुल भी मत इसको, कभी कोई पी के सोचे कि हाँ भाई पी के देखूंगा मैं कि क्या होगा इसके अंदर, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आइए अब आग और लगा कर देख लेते हैं कि होगा क्या। तो अब इस वाटर को हटा देते हैं पीछे की तरफ और किसी भी एक परफ्यूम को इस पर डालकर देखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको डालकर डालता हूँ। तो मैंने अब ये डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं अब मैं इस पर आग जो लगाने जा रहा हूँ तो कितनी आसानी से ये जल गया है, और कितनी हाई जो इसने एकदम देख सकते हैं आप फ्लेम एकदम जो पकड़ी है। तो ये वास्तव में अल्कोहल जो इसके अंदर है उसी के कारण ये इजीली जो बर्न हो पा रहा है। सेकंड को और देख लेते हैं, आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि हाथ आपका जल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये एकदम जो रिएक्ट करती है, और सिंपल भी मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि सिंपल ईयरबड्स ये कैसे जलती है और परफ्यूम को डालकर कैसे जलती है। तो आइए जान लेते हैं इसको जल्दी से, ये सिंपल, इस पर कोई भी वो नहीं करते हैं, हम कोई भी परफ्यूम जो है इस पर नहीं डालेंगे, तो सिंपल हम डाल के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल कितनी देर में ये जलेगी, तो देख सकते हैं कि काफ़ी देर में ये सिंपल जल रही है, और इसके बाद हम इसको डालकर एकदम देखेंगे इसके ऊपर जलती हुई के ऊपर क्या रिएक्शन करेगी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई जल रिएक्शन कर रही है, तो जलती हुई पर डालकर हम देखते हैं तो कितना हाई ये रिएक्शन, आप देख सकते हैं कि एकदम इसने इतना हाई जो रिएक्शन किया है। तो घर पे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो डेंजरस हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये फ्लेम जो एकदम रिएक्ट कर रही है, तो देखो बिल्कुल ये एकदम देखो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें आगे भी ऐसी वीडियो को जानने के लिए।